अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स कराची और मैं हूं अब्दुल मोईज भाई। नाजमाबाद नंबर 3 में मौजूद हैं। 3B का एरिया है और माशाल्लाह 3A और 3B का जो चौड़ा रोड है उसी रोड के ऊपर है, तैयबा मस्जिद वाले रोड पे, थर्ड फ्लोर पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 216 गज का प्लॉट है भाई। एक फ्लोर पे एक पोर्शन बना हुआ है और ऊपर आके तकरीबन ये 250 प्लस पे चला जाता है प्लॉट का साइज। और एक फ्लोर पे एक पोर्शन बना हुआ है। 3 बेड ड्राइंग लाउंज का ये पोर्शन है। पोर्शन में एंटर हो चुके हैं। लाउंज में इस टाइम हम लोग मौजूद हैं और लाउंज का साइज़ आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बेहतरीन साइज़ है। सेंटर में डाइनिंग टेबल आ गई, सामने ओपन किचन है और लेफ्ट पे भी एक छोटी टेबल इन्होंने लगाई हुई है। सामने जो आप विंडो देख रहे हैं वो एक बेडरूम की विंडो है और हमारे राइट साइड पर जो है वो इसके 3 बेडरूम्स हैं, वो अभी आपको आगे चल के दिखाते हैं। अभी मैं किचन की तरफ खड़ा हूँ और ये सामने जो है लाउंज का स्पेस आपको नज़र आ रहा है कि माशाल्लाह लाउंज कितना खुला डुला है। सामने स्क्रीन लगी हुई है और सोफे इधर लगे हुए हैं। तो भाई माशाल्लाह लाउंज का साइज़ बेहतरीन है। राइट साइड पे मेरे इस टाइम जो है वो ड्राइंग रूम है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये आप देख लें, माशाल्लाह 3 बेड ड्राइंग लाउंज का पोर्शन है। ओपन किचन बना हुआ है और किचन का साइज़ भी माशाल्लाह अच्छा बेहतरीन साइज़ है। डिसेंट सा किचन बना हुआ है लेकिन काम अच्छा साफ सुथरा हुआ हुआ है। तकरीबन 7-8 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है और थर्ड फ्लोर पे हम लोग मौजूद हैं। वेस्ट ओपन है माशाल्लाह से। और ये इसका पहला बेडरूम है और ये मास्टर बेड है। कमरे का साइज जो है वो बेहतरीन आउट क्लास है माशाल्लाह। डबल बेड लगा हुआ है सेंटर में, आप देख सकते हैं। और उसके बावजूद कितना स्पेस यहाँ पे है। सामने सोफे भी लगे हुए हैं, ड्रेसिंग है, अलमारियाँ हैं, सब चीज़ें। तो वही उसके बावजूद भी ठीक ठाक स्पेस अभी भी मौजूद है कमरे के अंदर। तो ये आप समझ लें कि तकरीबन 2 कमरों को जो है इन्होंने एक किया हुआ है। ये ऐसा कमरे का साइज है। और ये आपको दिखाते हैं इसका अटैच वॉशरूम। ये भाई आ गया इसका अटैच वॉशरूम। वॉशरूम भाई मुनासिब सा साइज है। अब लोग कहते हैं कि भाई इतना बड़ा पोर्शन है और वॉशरूम छोटा बना हुआ है, तो भाई वॉशरूम जो है वो इसी साइज के बन रहे हैं। आप इससे बड़ा भी पोर्शन लेने जाएंगे उसमें भी तकरीबन वॉशरूम ज़्यादातर इसी ही साइज के बन रहे हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई वॉशरूम जो है वो बड़े बड़े बना दे, तो वॉशरूम का साइज बस गुजारा है। सही है, ये अब आपके सामने रूम का साइज आ गया। अब सामने वो मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम कमरे में एंटर हुए थे। 4 सीलिंग बिल्कुल लाइट सी हुई थी है बॉर्डर पे, लेकिन काम अच्छा हुआ हुआ है। और माशाल्लाह भाई बेहतरीन जो है ना वो कंडीशन है, बिल्कुल VIP मेंटेन रखा हुआ है इन्होंने पोर्शन को। थर्ड फ्लोर है, वेस्ट ओपन है। 216 गज का प्लॉट है। ऊपर आके ये 250 प्लस पे चला जाता है। 3 बेड ड्राइंग लाउंज बना हुआ है जिसमें एक कमरा जो है वो माशाल्लाह मास्टर का भी मास्टर है ये वाला, बाकी कमरे नॉर्मल साइज के हैं। और लाउंज इसका माशाल्लाह खुला डुला है, ओपन किचन है। अब चलते हैं भाई, आपको इसका दूसरा बेडरूम दिखा देते हैं। ये आ गया भाई इसका दूसरा बेडरूम। इसका साइज जो है वो नॉर्मल है। अभी आपने इतना बड़ा कमरा देखा है तो इस वजह से आपको शायद ये कमरा इतना वो नहीं लग रहा हो, लेकिन जो नॉर्मल साइज होते हैं तो उस हिसाब से ये बना हुआ है कमरा। इसके बाद भाई ये इसका अटैच वॉशरूम आ गया। लाइट का भाई कोई इशू नहीं है, पानी का कोई इशू नहीं है। 24 घंटे लाइट है, 24 घंटे पानी है। और गैस का ये मामला है कि भाई सर्दियों में जो है सब जगह जाती है रात में, तो वो यहाँ पे भी जाती है। बाकी सीपेज वगैरह कोई चीज़ नहीं है, सब चीज़ें ओके हैं। और पोर्शन की कंडीशन बहुत साफ सुथरी है। 2x2 की वाइट टाइल लगी हुई है। अगर आप इस पोर्शन को विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर लें, व्हाट्सएप कर लें, जैसे आपको सही लगे। इसके अलावा हमारे ऑफिस की लोकेशन है अब्बासी शहीद हॉस्पिटल वाले रोड पे। जब आप आगे आते हैं रेलवे ट्रैक क्रॉस करेंगे तो उल्टे हाथ की दूसरी गली पड़ती है, अल्पाइन जिलाटो है, आइसक्रीम की शॉप है काफ़ी फेमस। उसके जस्ट ऑपोजिट है सलमान प्रॉपर्टी मूवर्स। तो भाई आप हमारे ऑफिस पे भी आ सकते हैं, फैमिली के साथ आप इस पोर्शन को विजिट कर सकते हैं। ये इसका तीसरा बेडरूम आ गया। कमरे का साइज आपके सामने है।
भाई जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं सबसे पहले मैं उनको वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, चैनल पर आने का शुक्रिया। भाई मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोज़ आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप कॉमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं और किस एरिया में देखना चाहते हैं। वैसे हमारा जो मेन काम है वो नाजमाबाद में है और नाजमाबाद की हम ज़्यादातर वीडियोज़ बनाते हैं। प्राइस भाई आपको मैं इसकी बता देता हूँ, प्राइस इसकी डिमांड कर रहे हैं 2 करोड़ रुपए। बेस्ट ओपिंग, थर्ड फ्लोर, 216 गज का प्लॉट है। तकरीबन अगर आप पोर्शन के कवर्ड एरिया की बात करते हैं तो तकरीबन ये 250 गज के आसपास है और इसमें 3 बेड ड्राइंग लाउंज है प्लस टेरिस है, आगे टेरिस भी छोड़ा हुआ है तो आप टेरिस को कवर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। फिलहाल जो इन्होंने आगे एक्स्ट्रा टेरिस एक छोड़ा हुआ है तो वो भी आपको दिखाएंगे। अभी आपको मैंने 3 बेडरूम दिखा दिए, ये इसका एक वॉशिंग एरिया की तरफ रास्ता जा रहा है बैक साइड पे। फ्रंट से जो है वो वेस्ट ओपन लगता है, 60 फिट चौड़ा रोड है। लोकेशन बहुत ही VVIP माशाल्लाह लोकेशन है, ईदगाह ग्राउंड के सामने जो 3A वाला रोड है उसी रोड पे है, तैयबा मस्जिद से थोड़ा आगे आगे। ये आप देख लें बैक साइड पे वॉशिंग एरिया बना हुआ है, ग्रिलिंग सारी ऊपर तक हुई हुई है, यहाँ से भी वेंटिलेशन अच्छी है। प्लस ये कि सामने जो है इसका स्टोर है, आपको स्टोर भी दिखा देते हैं। ये भाई स्टोर रूम दिया हुआ है। 2 करोड़ रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं, सही है। तीसरा फ्लोर है, वेस्ट ओपन है, गाड़ी की पार्किंग का कोई इशू नहीं है माशाल्लाह, गाड़ी इजीली आपकी पार्क हो सकती है। 60 फिट तकरीबन चौड़ा रोड है। ये भाई इसका ड्राइंग रूम है लेकिन फिलहाल इन्होंने इसको बेडरूम की शक्ल दी है, वैसे ये इसका ड्राइंग रूम है। तो ये आप देख लें, फोर सीलिंग इसमें भी अच्छी हुई हुई है, एक विंडो है जो गैलरी की तरफ खुलती है आगे वेस्ट ओपन साइड पे, और कमरे का साइज आपके सामने है ड्राइंग रूम का। अभी इन्होंने बेडरूम बनाया हुआ है, वैसे ये इसका ड्राइंग रूम है। अभी अगर आप इसको देखें तो इन्होंने 4 बेडरूम बनाए हुए हैं। 2 करोड़ रुपए डिमांड कर रहे हैं और माशाल्लाह पोर्शन बहुत अच्छा है, खुला डुला बना हुआ है, साफ सुथरा बना हुआ है, काम अच्छा हुआ है, सीपेज वगैरह कोई चीज़ नहीं है, पानी का इशू नहीं है, लाइट का इशू नहीं है, गाड़ी आपकी इजीली पार्क हो सकती है। तो ये सारी फैसिलिटीज भाई मौजूद हैं। लाउंज भी माशाल्लाह आप देख लें कितना बेहतरीन है इसका। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा भाई ताकि हमारी नई वीडियोस आएंगी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आपका क्या बजट है, अगर आप कम रेंज में पोर्शन देखना चाहते हैं या इससे और ऊपर का बजट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। ये इसका टेरेस आ गया और टेरेस भी माशाल्लाह काफ़ी खुला डुला बना हुआ है, एक पलंग डाला हुआ है, जनरेटर वनरेटर रखा हुआ है, कपड़े सुखाने की अच्छी जगह है। तो टेरेस भी माशाल्लाह काफ़ी कुशादा है इसका। ये भाई ड्राइंग रूम जो मैंने आपको बताया था उसका टेरेस में भी दरवाज़ा खुलता है, ये आप देख सकते हैं टेरेस में इसका दरवाज़ा खुल रहा है, यहाँ से फोर सीलिंग हुई हुई है। ये आप देखें भाई गैलरी टेरेस के साथ एक पतली गली सी बनाई हुई है और रोड देख लें भाई कितना चौड़ा रोड है, भी आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से VIP गाड़ी वगैरह पार्क करने का। ये गाड़ी आप देखें गुजर रही है, कितना सा रोड लग रहा है, गाड़ी इतनी सी लग रही है, इतना माशाल्लाह बेहतरीन साइज़ है।